नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। कोई बात आपसे छिपी नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने इस रिफाइनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, 1300 करोड़ रुपए इसमें बायो रिफाइनरी लगाई गई है। यहां बैम्बू से और बैम्बू वेस्ट से इथेनॉल बनाया जाएगा। इससे यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय लोगों को लाभ होगा। साथियों, आज असम की ताकत को पहचान कर उससे जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहां के बैम्बू प्रोडक्ट्स देश ही नहीं दुनिया में भी धूम मचा सकते हैं। इसके लिए सरकार आपकी छोटी छोटी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। साथियों, आज से 90 साल से भी अधिक समय पहले अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर बैम्बू को वृक्ष की कैटेगरी में डाल दिया था, ट्री की कैटेगरी में डाल दिया था। ये कानून प्राइवेट जमीन पर उगाए गए बैम्बू को काटने, उनके ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाता था। आजादी के बाद भी 70 साल तक ये कानून ऐसे ही चला। इस वजह से किसानों को, ट्रेडर्स को, बैम्बू इंडस्ट्रीज को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमारी सरकार ने आपकी इन परेशानियों को समझा और यह कानून बदल दिया। इसका बहुत बड़ा लाभ असम में बैम्बू क्राफ्ट से जुड़े लोगों को, किसानों को, उद्यमियों को हुआ। अब बैम्बू का प्लांटेशन हो, वैल्यू चेन बनाना हो, बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो, सरकार सभी में सहयोग कर रही है। असम सरकार ने भी बैम्बू और केन के लिए विशेष पॉलिसी भी बनाई है और इससे जुड़े छोटे उद्योगों के लिए विशेष जोन बनाने के लिए भी पहल की है। यही तो है डबल इंजन की सरकार की ताकत। साथियों, वो दिन कौन भूल सकता है जब कांग्रेस सेंटर में भी थी और असम में भी थी। तब नेगलेक्ट भी डबल था, क्योंकि असम के लोगों की ना राज्य में सुनवाई थी ना केंद्र में सुनवाई थी। तब करप्शन भी डबल था, क्योंकि कांग्रेस के स्थानीय नेता को भी कट देना होता था और केंद्र के नेता को भी बंडल के बंडल पहुंचाने पड़ते थे। तब घुसपैठिए भी डबल थे, क्योंकि राज्य सरकार को भी वोट बैंक खड़ा करना था और केंद्र सरकार को भी वोट बैंक की पड़ी थी। अब जब केंद्र में एनडीए सरकार है और राज्य में भी एनडीए सरकार है, तो डबल इंजन की ताकत असम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब हाईवे बनाने पर डबल ताकत से काम हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भी असम को देश से जोड़ रही है और केंद्र सरकार भी इस काम में पूरी ताकत लगा रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड भी डबल है, क्योंकि राज्य सरकार भी विकास में जुटी है और केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। अब हर सिर को छत और हर घर को जल जैसे काम भी डबल फोर्स से हो रहे हैं। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की ताकत इसमें मिलकर के काम कर रही है। इसलिए असम के लोगों को कांग्रेस के लूट के इंजन को दूर ही रखना है। 50 साल से ज्यादा असम पर राज करने वाले लोग आजकल असम को 5 गारंटी दे रहे हैं। असम के लोग इनकी रग रग से वाकिफ हैं। इन लोगों को झूठे वायदे करने की, झूठे घोषणा पत्र बनाने की आदत पड़ गई है। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो, यही कांग्रेस का हमेशा से सत्ता में रहने का फॉर्मूला रहा है। आपको याद रखना है, कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र की गारंटी, कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन की गारंटी, कांग्रेस मतलब अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस मतलब बम बंदूक और ब्लॉकेड की गारंटी, कांग्रेस मतलब हिंसा और अलगाववाद की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, घोटालों की गारंटी, भाई भतीजेवाद की गारंटी। भाइयों और बहनों, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ
आगे बढ़ रही है। लेकिन आज के कांग्रेस नेताओं को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है, वो चाहे कैसे भी मिल जाए। असल में कांग्रेस का खजाना अब खाली हो गया है, उसे भरने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। कांग्रेस की सिर्फ कुर्सी ही दोस्त है, कुर्सी के सिवा उसका कोई दोस्त नहीं है। न विजन है, न संकल्प है, न कुछ करने का इरादा है, बस कुर्सी हथियाना, कुर्सी से दोस्ती, यही उनका कारोबार है। अब देखिए, झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में जिनके साथ इनका गठबंधन है,